वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए पॉइंट्स ले लेते हैं। नंबर वन पे जो है हाइपोग्लाइकेमिया। देखिए यहाँ पे जो चीज है हाइपो मीन्स क्या होती है, हाइपो मीन्स होता है लो, ग्लूको मीन्स होता है ग्लूकोज, और इमिया, इमिया मीन्स क्या होता है, इमिया मीन्स ब्लड। पहले ही बता दिया आपको आइटिस मीन होता है इरिटेशन और इन्फ्लामेशन, और इमिया मीन्स होता है ब्लड। सो क्या हो गया, हाइपोग्लाइकेमिया। हाइपो मीन्स लो, ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, और इमिया मीन्स ब्लड। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल कम हो पाना इस तरह का कुछ दिखाई देता है पेशेंट की बॉडी में या किसी बंदे के बॉडी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली उसका हाइपोग्लाइकेमिया हुआ है। चलिए नंबर टू पे आता है। नंबर टू जो है ब्रोंकाइटिस। आइटिस मीन इरिटेशन और इंफ्लामेशन, और ब्रोंकाई मीन ब्रोंकाई पे जो इरिटेशन और इंफ्लामेशन होता है। तो आपको बताते हैं, हम ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर है। हम जब सांस लेते हैं तो क्या होते हैं, पहले नाक पे जाता है, वहां से लेकर यहाँ पे पूरा, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। तो हम जब सांस लेते हैं तो क्या होते हैं, सांस लेने के बाद यहाँ से लेरिंग्स फेरिंग्स ट्राकिया होके वो कहाँ आता है, यहाँ पे, या जो ब्रोंकियल ट्री होता है हमारा, ब्रोंकियल ट्री यहाँ पे गांठ पेड़ पेड़ की तरह होता है ना, यहाँ उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। ये जो आता है यहाँ पे ब्रोंकास ब्रोंकियोल्स, उसके बाद एल्वियोलाई। तो वहां पे जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मतलब चीज है। तो ब्रोंकाइटिस मीन्स क्या हो गया, इरिटेशन और इंफ्लामेशन अबाउट ब्रोंकाई, इट्स कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। चलिए नंबर थ्री पे आते हैं स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, आप लोग देखे होंगे डिसइंफेक्शन में क्या हुआ, प्रिवेंशन करना होता है। अगर आपका कहीं पे चोट लग गया तो क्या होता है, वहां पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आता है तो उसको हम बेसिकली क्लियर कर देते हैं, उसके बारे में बोला था डिसइंफेक्शन में। और स्टेरलाइजेशन क्या है, अगर कहीं पे चोट लगता है तो वहां पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ भी जाता है तो क्या, उसको हम जड़ से उखाड़ देते हैं, यानी कि उसको डेड कर देते हैं, किल कर देते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर किल कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टेरलाइजेशन, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप वहां से हटा रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्शन। चलिए आते हैं नंबर फोर की तरफ। नंबर फोर पे जो है एपेंडिसाइटिस। बहुत साल पहले जो हुआ करते थे, अभी का ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस। तो जब होमो सेपियंस था और उससे भी पहले जो था, तभी जो हुआ था हमारे बॉडी के अंदर एपेंडिक्स का एक रोल प्ले करता था। लेकिन अभी जो है अपेंडिक्स कुछ रोल प्ले नहीं करता है, इसका हमारे बॉडी में कुछ काम नहीं रहता है। ये जो ऑर्गन है बेसिकली ये हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्गन है। तो वो कहाँ रहता है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन रहता है, मतलब हम जब टॉयलेट जाते हैं टॉयलेट से ये यहाँ पे जो है स्टूल स्टोरेज होके रहता है बिग इंटेस्टाइन पे या लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो लार्ज इंटेस्टाइन या बिग इंटेस्टाइन के ये जो इधर साइड का जो लास्ट पार्ट होता है, लास्ट पार्ट में उसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। और इधर एक जो है वो रेक्टम के थ्रू एनस के थ्रू बाहर जाता है जो स्टूल, और जो दूसरे तरह है लार्ज इंटेस्टाइन के तरह दूसरे तरफ जो है एंड पार्ट को, उसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अगर वहां पे कोई खाना धस जाए या खाना फंस जाए तो क्या होते हैं, दिन ब दिन वो फूलता रहता है, यानी कि बड़ा होता रहता है। अगर वो किसी के अंदर बड़ा हो जाए तो प्रॉब्लम घटाता है, प्रॉब्लम बढ़ाता है, पेन होने लगता है, उसके बाद क्या होता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। तो अपेंडिक्स कि अगर कुछ प्रॉब्लम आए हमारे बॉडी में तो उसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। टू गेटिंग एनी प्रॉब्लम एनी टू गेटिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन अपेंडिक्स इट कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। उसके बाद आते हैं जो कि है हमारा कोलीलिथियोसिस। कोलीलिथियोसिस देखिए कोली का मीन्स हो गया गॉल ब्लैडर, जो कि है हमारा जीआई सिस्टम यानी गैस्ट्रियो इंटेस्टाइनल या डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्रैक के अंदर एक चीज, या उसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। सो आप इस तरह से इसको याद रखिएगा कोलीलिथियासिस।
पॉली का मीन्स हो गया गॉल ब्लैडर, लिथी का मीन्स हो गया स्टोन, और आईटी तो कॉली का मतलब हो गया गॉल ब्लैडर, लिथी का मतलब हो गया स्टोन, और एसिस का मतलब हो गया बनना। अगर हमारे गॉल ब्लैडर में पत्थर या पथरी चीज का कुछ बनना अगर रोज सिम्टम्स हमारे बॉडी के अंदर आते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉलीलिथियोसिस। तो यही था 5 टर्म्स और टर्मिनोलॉजी। अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो बनता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।